जय हिंद मेरे प्यारे साथी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ की न्यू वैकेंसी के बारे में। साथ ही में आप सभी को बहुत बड़ी अपडेट इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है, और साथ ही में इस वीडियो में आप सभी को क्लियर होने वाला है कि कब से आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन कब से जारी हो जाएगा, वो सारी चीजें इस वीडियो में आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 एंड आरपीएफ की नो सर वैकेंसी के बारे में बात की गई है, और आप सभी को बता दें कि आरपीएफ कांस्टेबल में 9000 वैकेंसी है, बाकी का अगर हम एसआई की बात करें तो लगभग 4,000 से 5,000 तक ये वैकेंसी आपकी रहेंगी। यानी कि अगर हम माने तो लगभग 14,000-15,000 ये आपकी वैकेंसी इस बार आ सकती है कांस्टेबल एंड एसआई की वैकेंसी को शामिल करके। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से ये वैकेंसी जारी की गई है, और यहाँ पे अगर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी के बारे में तो यहाँ पे 9000 पोस्ट है कांस्टेबल की, साथ ही में लगभग 5000 वैकेंसी रहेंगी आपकी एसआई की यानी सब इंस्पेक्टर की। तो ये जो वैकेंसी रहेंगी मेल एंड फीमेल के लिए रहेंगी। और जैसे की बात करें आपकी नैनो पोस्ट की, तो यहाँ पे पहली आपकी पोस्ट हो जाएगी कांस्टेबल एंड सेकंड जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर की भी यहाँ पे पोस्ट रहेंगी। जैसा की मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो आप सभी को बता दें, एज लिमिट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल होनी चाहिए, वहीं पे 20 से 25 साल होनी चाहिए एसआई के लिए। तो यहाँ पे जो आपकी एज काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी। अगर आप एससी एसटी हैं तो 5 साल का छूट यहाँ पे आपको मिलेगा, साथ ही में ओबीसी के लिए 3 साल की आपको छूट दी जाएगी। मेजरमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी हाइट होनी चाहिए, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर, एससी और एसटी के लिए 160, मेल कैंडिडेट के लिए 152 जो सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। साथ ही मैं बात करूँ चेस्ट के लिए, तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट तो 80 से 85 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 76.5 यानी 76.2 से लेके 81.2 सेंटीमीटर तक सीना होना चाहिए। बाकी का गोरखा गढ़वाली या मराठा कुमाऊं वगैरह के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल के लिए एंड फीमेल के लिए 155 होनी चाहिए, वहीं पे सीना 80 से 85 मेल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। अब बात कर ले रहे हैं यहाँ पे फिजिकल के बारे में, तो आप सभी को बता दें कांस्टेबल के लिए जो फिजिकल होता है मेल कैंडिडेट की जो रनिंग होती है 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की रनिंग यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है। वहीं पे अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 800 मीटर की रनिंग होती है जो कि 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जम्प 14 फीट रखी गई है, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हाई जम्प की, तो हाई जम्प जो रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट रहेगी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट रहेगी। कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो केवल 10th पास क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाती है, किसी भी स्टेट या सेंट्रल बोर्ड से अगर आपने ये कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में कोई परसेंट का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं होता, केवल 10th पास आपके पास होनी चाहिए। आप बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले इसका सीबीटी एग्जाम होता है आपके रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहला हो गया जनरल अवेयरनेस, जिसके 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स दिए जाते हैं। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। लेते हैं पेस के लिए, तो 52 से लेकर 20,000 रुपए पर मंथ तक आपको सैलरी यहाँ पे मिलती है, बाकी जो भत्ते वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस में बात करूँ तो सबसे पहले आपका सीबीटी होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, इसके बाद आपकी पीईटी पीएमटी यानी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। एप्लीकेशन फीस में अगर मैं बात करूँ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्सर्विसमैन के लिए 250 रुपए और अदर कैंडिडेट के लिए 500 रुपए यहाँ पे फीस ली जाती है। 400 रुपए होते हैं आपका एग्जाम होने के बाद, यानी कि जब आप सीबीटी दे देते हैं तो सीबीटी के बाद आपके 400 रुपए जो होते हैं वो रिफंड आपके आ जाते हैं। अब बात करें कि कैसे आपको अप्लाई करना होता है, तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी होती है, तो दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ, तो अक्टूबर में इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे, साथ ही में नवम्बर में इसकी लास्ट डेट रहेगी, तो 30 डेज का समय यहाँ पे आपको दिया जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने का।